नमो धृतराजाय नमो धृतराजाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उपस्यायाणं नमो उपस्यायाणं नमो लोए सर्वसाहुणं नमो लोए सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावप्पनासनो सर्व पावप्पनासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदे क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ तैत्रिस कोटि देवी देवताओं को तैत्रिस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रिय स्वरूप को ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रिय स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत हर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत
अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी साधवाद वाणी साधवाद वर्तन और साधवाद मनन करने की परम शक्ति देव। जय सच्चिदानंद। जब शरीर का माध्यम मिलता है तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? अज्ञानता को मिटाना। क्या होना चाहिए? कर्म को मिटाने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरत मिटाएंगी ही। जो लेकर आए हैं उस कर्म तो कुदरत समय समय पे मिटाएंगी। इसके लिए हमको कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मगर अज्ञान मिटाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अज्ञान से ही राग द्वेष होते हैं और कषाय होते हैं और नए कर्मों का सर्जन होता है। तो हमारे लिए जहां तक शरीर है वहां तक पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हमारे अंदर अज्ञान को मिटाना। और अज्ञान दो प्रकार के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। सबसे पहला अज्ञान है मैं शरीर हूं। हालांकि कुदरत कहता है ये शरीर तो मैंने दिया है, पंच महाभूतों का बना है, वो भी मेरा है, इसकी डिजाइन भी मेरी है, इसका रॉ मटेरियल भी मेरा है, और यही शरीर बनाने के बाद उनको जिंदा रखने के लिए 70, 80, 90 ईयर्स तक जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूँ, कुदरत देती है ना, और सभी प्रकार के कर्मों के भुगतान के संजोग भी कौन देते हैं? कुदरत देते हैं। पर लास्ट में श्वास बंद भी कौन करवाते हैं? अभी आप देखो, जन्म से मौत तक हमारा कोई रोग है? हमारे कोई फ्रीडम है? तो जो फ्रीडम ही नहीं है उनके लिए सोचोगे तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? और यही हमारी अज्ञानता को मिटाना है। न हम शरीर है, न हम शरीर को चलाने वाला है, और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है। हम है तो शरीर है, शरीर है तो हम नहीं है। हम है तो शरीर है, हम नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, और बाहर की दुनिया की भी कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू हमारी होनी चाहिए, मगर भ्रांति से करते हैं शरीर की और बाहर के संजोग करते हैं, वही अज्ञानता है। अज्ञान तो और कोई चीज नहीं है। अज्ञान को मिटाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, त्याग ले लो, ये अज्ञान मिटाने का रास्ता नहीं है। अज्ञान हमारी दृष्टि में है, किसमें है? और दृष्टि में अज्ञान है तभी तो राग द्वेष होता है। अज्ञान बाहर अंदर है। तो ये अज्ञान मिटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमको अगर वास्तव में सनातन सुख प्राप्त करना है तो एक न एक दिन अज्ञान मिटाने के सही रास्ते पर चलना ही होगा, और कोई रास्ता मुक्ति का नहीं है। और ये दुनिया की सच्चाई नहीं समझेंगे वहां तक अज्ञान निकलेगा नहीं। और दुनिया की सच्चाई ये है, कुदरत ने कहा ये पूरी दुनिया 6 तत्वों से बनी है, 6 तत्वों से चलती है, और तुम्हारा मन वचन काया है उसमें भी 6 तत्व है। तो जो पिंडे सो ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है सो, तो इसमें न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा। और जो कुछ आपको अभी मिलता जुलता आपके पास आता है, चला जाता है, बस वो कर्मों का खेल है। तो उसमें ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है।
तो हमारी अज्ञानता क्या है? सबसे पहला, मैं शरीर हूं। दूसरी अज्ञानता है कि मैं शरीर चलाता हूं। तो कुदरत कहते हैं ये शरीर का हर संजोग मैं देता हूं, श्वास भी मैं देता हूं, पानी भी देता हूं और वनस्पति भी, तभी आप जिंदे रह सकते हैं। तो शरीर भी मैंने बनाया और जिंदे बनने का रॉ मटेरियल भी मैं देता हूं। यानी तुम्हारा व्यक्तिगत ये शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ कर्मों के भुगतान का साधन। छोटे छोटे टॉयज होते हैं, इसमें बैटरी होती है और बैटरी के आधार से टॉयज हमको लाइव लगता है, चलता है, फिरता है, हाथ पांव हिलाता है, आंखें हिलाता है, मुंह से बोलता है, कैसेट की तरह, कैसेट होती है ना, तो हमको लगता है लाइव जैसा है, मगर वो लाइव नहीं। ऐसे यहां भी क्या है, यही है जो आप चार्ज बैटरी करके आए, बस उसी से ये मशीन एक्टिव लगता है, डिस्चार्ज होता है। अगर वो इसमें से बैटरी खत्म हो गई तो ये मशीन डेड हो गया। यहां रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं है। मोबाइल में तो रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें रिचार्ज, इसमें से तो नया बर्थ मिलता है, नया शरीर मिलता है, मगर कॉन्सेप्ट एक ही है। हम देखो समझेंगे, हम मोबाइल की कीमत करेंगे, मोबाइल के अंदर फीचर्स की कीमत कर रहे हैं करेंगे, बातों चीतों करने की कीमत समझेंगे, उनके जितने भी प्रकार के फीचर्स हैं इसका यूज करने की वैल्यू हम करेंगे लौकिक दृष्टि से, मगर उसमें जो बैटरी है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और बैटरी में पावर है उसकी भी वैल्यू नहीं करेंगे। मगर मोबाइल कहता है अगर मैं बैटरी निकाल दूं तो मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कुदरत कहते हैं कि ये शरीर है वो कर्मों की बैटरी से चलता है, जो आपने चार्ज किया हुआ है वही कर्म क्या होता है, डिस्चार्ज। तो ये बैटरी जब खत्म हो गई तो फिर ये बॉडी इनएक्टिव हो गई। तो ये हर बातें जब समझोगे, ये शरीर राग करे, द्वेष करे, क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, ये संपत्ति मेरी है, ये साधन मेरे हैं, ये मैंने ऐसा किया है, ऐसा जो बोल रही है ये मोबाइल का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? क्योंकि बैटरी अंदर चार्ज है, मगर आत्मा है इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस है। क्या है? वो न शरीर को चलाता है, न शरीर को बनाता है, न ही शरीर को भुगतान होती है, वो भुगतान भी आत्मा कोई कंसर्न ही नहीं है। क्या नहीं है? तो ये हमारा पूरा शरीर है, वो पूरा शरीर अलग अलग प्रकार का फीचर्स वाला व्यक्तियों के साथ का रोल लेकर आए। जैसे यहाँ मोबाइल में हम अलग अलग प्रकार की ऐप डाउनलोड करते हैं और बाद में इसका यूज करते हैं, यहाँ व्यक्तियों की ऐप डाउनलोड हो चुकी है और समय समय पे क्या होता है, यूज होता है। ऐप का मतलब होता है आपका इसके साथ कनेक्शन है, तो समय पे ओपन होगा और फिर क्लोज होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। ये सब, ये दुनिया जो है इतनी सिंपल है, मगर क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं और शास्त्रकारों ने इतनी गंभीर बना दिया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सके, सरल बात को डिफिकल्ट बना दिया। एक भाई ने मेरे को कहा, प्रश्न किया कि स्वामी जी इस शरीर से मैं अलग हूं, वो समझने में बहुत समय लगता है। मैंने कहा ये मकान मेरा है ऐसा मैं बोल सकता हूं, मगर मैं मकान हूं ऐसा बोल सकते हैं? ये कार मेरी है ऐसा मैं बोल सकता हूं, मगर मैं कार हूं बोल सकता हूं? ऐसे ये शरीर मेरा है मैं बोल सकता हूं, मगर मैं शरीर को कैसे बोल सकूंगा, क्योंकि उसको जलाने के बाद भी मैं हूं।
सिंपल बात है ना, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात तो है नहीं। इसको जलाने के बाद भी मैं हूं, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर बोल सकते हैं व्यवहार से, पर मैं शरीर तो इसमें क्या तकलीफ है? तो हर बातों को अगर सही दृष्टि से देखने की, समझने की कोशिश करोगे तो ये मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट नहीं है। और मैं कहता हूं ये विज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए ही काम में नहीं आएगा, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आध्यात्मिक, तीनों जीवन में ये विज्ञान काम में आएगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है। ये कोई धार्मिक बात या सामाजिक बात नहीं है, मगर जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न आएंगे तो सभी प्रकार के संजोग में ये विज्ञान सभी प्रकार के संजोगों का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? परमानेंट सॉल्यूशन। फिर और कोई सॉल्यूशन की जरूरत इसीलिए काम का है। अगर कोई कहता है मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है तो भी ये विज्ञान काम में, ये दुनिया की सच्चाई तो समझ सकते हैं ना, तो अगर वो समझेंगे तो भी राग द्वेष कसाय बहुत कम हो जाएंगे, अज्ञानता कम हो जाएगी। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, टेंशन कम हो जाएगा, कल क्या होगा वो सोच खत्म हो जाएगी, भीख और भय खत्म हो जाएगा, तो ये साधारण बात थोड़ी है। तो ज्ञानी यही कहते हैं, जब एक परिवार का सज्जन, एक परिवार की व्यक्ति हमारे बीच में आती है तब हम आनंद भी व्यक्त करते हैं, कोई छोटा बालक जन्म लेता है तो। और ऐसे ही परिवार में से एक व्यक्ति चली जाती है तो हम शोक व्यक्त करते हैं। तो कुदरत कहते हैं आनंद और शोक ये प्रकृति का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आप समझे, इनका तो स्वभाव होगा ही क्योंकि अटैचमेंट उनके साथ था, शरीर शरीरों के साथ, आत्मा आत्मा के साथ अटैचमेंट नहीं होता है। तो हो सकता है और थोड़े समय के लिए दुख भी लगेगा, शरीर को तो होगा ही, धीरे धीरे हमको सच्चाई पर आना है। आखिर जो कुछ भी हुआ वो कुदरती कानून और कर्म की वजह से हुआ है या और किसी व्यक्ति की मर्जी से हुआ है? कानून से हुआ है और कर्म की वजह से हुआ है। सब थोड़ा स्वीकारने में डिफिकल्टी आ सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर एक दिन हमको सच्चाई तो समझनी पड़ेगी क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उनका जन्म हो चुका है, क्या बताया? जन्म हो चुका है, फिजिकल फॉर्म में नहीं, माता का गर्भ धारण कर चुके हैं। क्या बताया? जन्म, फिजिकल जन्म लेने में समय लगेगा, हम जैन परिभाषा में कहेंगे च्यवन हो चुका है। क्या बताया? जन्म अभी बाकी है, च्यवन तो समझते हैं ना, बस। तो वो तो हो चुका है, ऑन द स्पॉट होता है। क्या होता है? कुदरत का कानून क्या है? कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में 14 राजलोक में बॉडी के बिना रह नहीं सकता है। आत्मा बॉडी के बिना सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में होता है और कोई जगह पे संभव नहीं है, नहीं तो सिद्ध क्षेत्र और यहाँ का फर्क ही क्या रहेगा? यहाँ भी आत्मा अकेला रहेगा, वहां भी रहेगा, फर्क क्या रहेगा? तो यहाँ कोई भी आत्मा बिना शरीर होता नहीं है। मेरे पास जो विज्ञान है वो आर्ट ऑफ विजन है, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं। कोई भी दृष्टि को हम, कोई भी संजोग को हम कैसे देखें ताकि मुक्तता की अनुभूति करें, हम सेपरेट रहे, हम कोई भी संजोग में किसी के व्यक्ति के साथ राग द्वेष न करें, कर्ता भाव मालिकी भाव कोई भी संजोग में दृष्टि में से खत्म हो जाए, भीख और भय खत्म हो जाए। और यही दृष्टि हमारी हर संजोगों में होनी चाहिए और नहीं है तो परिपक्व करना है। यही आध्यात्म विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान कोई चमत्कार नहीं है। और नहीं
कोई धर्म संप्रदाय की कोई डिजाइन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस है, सबके लिए है। ये व्यू पॉइंट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल एक महात्मा ने प्रश्न पूछा था, वहां मदुराई गुजरात समाज में, गुजराती समाज में, कि आखिर इतनी सारी धर्म की क्रिया करते हैं, क्या इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? ज्ञान दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा कि अगर धार्मिक क्रियाओं को पुरुषार्थ मानोगे तो पुण्य तो जरूर मिलेगा, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता, पुण्य तो मिलेगा, मगर मुक्ति मिलेगी यह पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बात कहा कि ज्ञानी पुरुष ने इतना सारा ज्ञान दिया है तो क्या इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? तो मैंने कहा देखो, महावीर ने भी ज्ञान दिया था, उस समय हजारों लोग मोक्ष में गए, मगर आज उसका ज्ञान वो विज्ञान के रूप में नहीं रहा, संप्रदाय रूप में रहा, अभी उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो महावीर ने जो कहा था वो गलत, मगर आज हम जो सुन रहे, पढ़ रहे, फॉलो कर रहे हैं, वो ज्ञान मुक्ति का ज्ञान नहीं है, मगर धार्मिक ज्ञान है। क्या है? और वो भी संप्रदाय में बटा हुआ है। इसे हर व्यक्ति की, कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया, संवाद किया, उसी अवतार में उसका मोक्ष हो गया, और आज वही गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यहां घूमते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान तो आएगा, अनुभव ज्ञान कहां से लाएगा? क्या बताया? अनुभव ज्ञान कहां से लाएगा? यह बड़ी बात है। तो ज्ञानी पुरुष ने तो ज्ञान दिया और उनकी दृष्टि थी, अनुभव थी, उनमें तो कोई कमी नहीं, मगर आज वो उनका ही पंथ जब फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया? अभी आप इसमें विज्ञान की कल्पना करोगे तो वो आप इसको मान सकते हैं फॉर्मेट के रूप में, मैं मना नहीं करूंगा, मगर आप उसको कहेंगे विज्ञान है तो वो करेक्ट। यहां भी एक भगवान का टाइटल फिक्स हो गया, गुरु का टाइटल फिक्स हो गया, मंदिर का टाइटल फिक्स हो गया, मंत्र का टाइटल फिक्स हो गया, शास्त्र का टाइटल फिक्स हो गया, वर्तमान डिसाइपल्स फॉलोअर्स फिक्स हो गए, रिचुअल्स फिक्स हो गई, और संस्था अभी क्या हो गया? अभी फॉर्मेट में आप साइंस की बात करोगे कैसे पॉसिबल है? आखिर सब धर्म फॉर्मेट तो है, तो सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं सच्चाई को तो ये टिका नहीं है। क्या नहीं है? ये वास्तविकता है। और मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म को आप जिंदगी भर तक फॉलो करोगे, मगर आप ये कहोगे कि ये प्रकृति का स्वभाव है और मैं इसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर कोई डिफिकल्टी? यही तो साइंस है। मगर आप जो फॉलो कर रहे हैं इसको पुरुषार्थ मानोगे, ये आपकी अज्ञानता रहेगी, इससे पाप पुण्य बनेंगे, इससे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की संभावना नहीं। तो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फॉर्मेट को, धर्म को फॉलो कौन कर रहा है? प्रकृति। और प्रकृति कौन चला रहा है? कुदरत। बस इतना ही समझ रहा है, इसमें करना न करना वो सब्जेक्ट ऐसी बात है। तो इसीलिए हमारे लिए ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जहाँ तक हम नहीं समझेंगे आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुला नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो। और आज कहीं साल बाद, कहीं सालों बाद ये विज्ञान वास्तव में मुक्ति के विज्ञान में, आध्यात्म विज्ञान में, वितराग विज्ञान में, विज्ञान की तरह पेश हो रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इसमें से कोई भी प्रकार का प्रश्न उठा नहीं सकता। तो इसीलिए हम जिस संजोग पर आए हैं तो हम सबको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उनके साथ
अपने साथ हुए जो भी कर्म है मन वचन और काया से उनसे माफी मांगना है और माफी देना भी सबको, दोनों को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। यहाँ कंप्लेन और क्वेश्चन का स्थान नहीं है व्यक्ति व्यक्ति के बीच, यहाँ संभाव इंपॉर्टेंट है। क्या है? न राग न द्वेष, न कर्ता भाव न मालिकी भाव, न भीख न भय, ये सब कुछ दृष्टि में से निकालना पड़ेगा, दृष्टि में से, तभी ये सच्चाई समझ में आएगी। बाहर बोलते हैं वो बाहर वाचा है, अंतर वाचा का मतलब होता है अंदर डिस्कस होता है ना, ये सही है गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अंतर वाचा है जो बाहर निकलती नहीं। बाहर जो भाषा निकलती है वो तो अंदर जो वाचा होती है उनका 5% भी नहीं है। क्या नहीं है? 5% अंदर ही सब कुछ चलता है, अगर जो अंदर चलता है वो बाहर निकल जाता है तो आपकी लाइफ जीना आसान नहीं है। तो इसीलिए बाहर जो निकलता है वो एक संयोग है और अंदर होता है वो दो प्रकार का है, आपका उदय कर्म भी है और आपका थिंकिंग भी है, डिस्चार्ज और चार्ज दोनों है। एक मैकेनिकल प्रोसेस के आधार से विचार आते हैं और दूसरा आप उसके ऊपर चिंतन मनन करके इसमें से सार निकालते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर ये संजोग से हम उसमें से सार निकालना चाहते हैं कि आखिर कैसा क्या होना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र ने कहा ना, कर विचार तो पाम, क्या बताए? तो कर विचार तो पाम, तो कहने का मतलब ये है हर बात में हमको सोचना पड़ेगा। आज हम कैसा जीते हैं? ब्लाइंडली जीते हैं, व्यवहार में जो चल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं। प्रश्न करने का नहीं है, प्रश्न सोचने का है। जो कुछ हो रहा है वो क्या मेरे लिए हो रहा है या इनके लिए हो रहा है, हर बात में सोचो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ विचार के रूप में, जबान के रूप में, एक्शन के रूप में, मैं जो कुछ सत्ता संपत्ति साधन संबंध पा रहा हूँ या तो मैं उससे अलग हो रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए है या इसके लिए है? जन्म के साथ ही जो कुछ भी पाया ये उन्होंने पाए और धीरे धीरे छूट भी जाएगा तो किसने किससे छूटा? इससे छूटा है, मेरे से कंसर्न, बस यही अज्ञानता को निकालना है। पाया तो भी मैंने नहीं पाया और चला गया तो भी, ये कर्मों का फल है। क्या है? तो ये धीरे धीरे अपने आप को ये सनातन सत्य का विजन में सेट करके पक्का करके हमको सिर्फ सेपरेशन फील करना है, सही गलत क्या है वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो ही आपका हिसाब है। कल एक महात्मा ने किया प्रश्न, कहा जिज्ञासु ने कि स्वामी इस संसार में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो मैंने कहा ये गलत है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं, दोनों आपकी मान्यता है। क्या है? सिर्फ आपकी मान्यता है। अगर कोई गरीब को मैं 5 रुपया दूंगा तो उसके लिए आनंद की बात है, और कोई व्यक्ति BMW में से नीचे उतरेगा इनको 5 रुपया दूंगा तो इंसल्ट होगा, तो आखिर मान्यता है ना? आप समझे कि नहीं? एक कहता है मैं शादी के बंधनों में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि इनके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं। एक कहता है बिना शादी हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है।
हम किसी को गलत नहीं कह सकते। जो डिजाइन लेकर आए हैं वही डिजाइन निकल रही है। और भगवान ये नहीं कहता है आप आपका बाह्य जीवन में परिवर्तन करो, वो भगवान भी नहीं कहता। भगवान कहता है ये मन वचन काया जो कुछ भी करता है इसको करने दो, क्योंकि वो आपके हाथ में। मगर तुम अपना सेंटर क्यों छोड़ते हो? क्या बताया? ये तो कर्मों की दुकान है, तो उसमें से आएगा भी और जाएगा भी। तुम दुकान नहीं हो, दुकान के तुम मालिक हो, दुकान नहीं हो। मटेरियल भी तुम नहीं हो, आता जाता है वो भी तुम नहीं हो। अगर आपको सार निकालना है, ये दुकान के बिजनेस से मैंने क्या पाया? क्या राग द्वेष पाया या वितरागता पाया? बस दुकान तो चलती रहेगी, आना जाना ये उनका व्यवहार है, ये उनका उदय कर्म है, ये उनका कर्म है, वो तो होता ही रहेगा। इसमें से सार निकालना है, आखिर इसमें मेरा क्या है, मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं। मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये सब कुछ कुदरत देते हैं कर्मों की, और जो देता है वो समय समय पे ले लेता है, क्योंकि है भी उनका, पहले भी उनका था, अभी भी उनका है, बाद में भी उनका रहेगा। आप तो थोड़े समय के लिए भुगतान करने वाले या तो यूजर हैं। क्या है? यूज करने वाले, कभी ओनर नहीं हो सकते। और यही बात को समझना है, यही बात को आप समझे ना। तो इसीलिए जहां तक हम ऐसी शाश्वत बातों को, सनातन बातों को बार बार अपनी दृष्टि में सेट नहीं करेंगे, वहां तक डिस्टर्बेंस तो रहेगा। मगर लक्ष्य रखो, हमको यही विज्ञान अपनी दृष्टि में मैक्सिमम सेट करना है, फिर विजन तो अपने आप काम करेगा। इसमें लेबर की जरूरत नहीं, ये दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया जैसी है वैसी दिखाएंगी। अगर आपने ग्लास बदल दिया तो ग्लास के कलर के मुताबिक दुनिया देखेगी, दुनिया को कलर करने की जरूरत नहीं है। ग्लास के कलर चेंज कर दिया, दुनिया का कलर चेंज हो गया। ऐसे भगवान कहते हैं जब आपकी दृष्टि में राग द्वेष है तो दुनिया ऐसी ही दिखेगी, अगर दृष्टि में वितरागता हो गई तो दुनिया, मतलब ये प्रश्न दृष्टि का है, दुनिया का नहीं। ये शरीर का भी प्रश्न नहीं, हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी। तो सृष्टि को तो नहीं बदल सकते, दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा। बराबर क्या नहीं? और हर महान पुरुष यही कहते हैं, दृष्टि बदलना आसान है, सृष्टि बदलना आसान नहीं, संभव भी नहीं है। महावीर भी अपनी धर्म पत्नी को नहीं बदल सके, क्या करेंगे? इसमें सामर्थ्य की बात नहीं है, सबका जीवन व्यक्तिगत है। क्या है? पसंदगी भी व्यक्तिगत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है, दूसरों की सोच क्या है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर हमारे जीवन में हमने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया और इसको दुख लगा तो उनके लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने सिंपल बताया कि जिसने गलती किया है वो प्रायश्चित करें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर गलती करने वाला, प्रायश्चित करने वाला आप नहीं है, इतनी जागृति रखो।
नहीं समझ में आया, गलती करने वाले भी आप नहीं है और प्रायश्चित करने वाले भी जिसने गलती किया है वो प्रायश्चित मानते हैं। इसमें आत्मा से क्या कंसर्न है, आप समझे? मांगे तो भी और नहीं मांगे, ये उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए मन वचन काया के हर संजोग के अंदर, कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूं, आप समझे? यही हमारा पुरुषार्थ है। इनको क्या करना है वो हमारा पुरुषार्थ। तो ये बड़ी बात है। अभी और किसी को प्रश्न? जब हम सो जाते हैं ना तो वैसे भूल के सो जाते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है। फिर तब जो चार्ज प्रतिशत आत्मा होती है तो वो क्या चार्ज करती है? अपने स्वभाव में रहती है। तो वो समय का चार्ज नहीं होता कुछ भी? नहीं होगा ना। तो वो चार्ज नहीं होता है तो नेक्स्ट जन्म में अपना आयुष्य कम होगा कि ज्यादा होगा? वो तो जैसे कर्मों का हिसाब होगा उसी प्रकार होगा। नहीं, अभी जिस सिचुएशन में अपन अलग रहे वो आप अलग रहे तो कर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ करोगे तो कर्म बनेगा, मगर कौन सा कर्म बनेगा? संसार के लिए लायक और सहायक नहीं बनेगा, मोक्ष के लिए लायक और सहायक बनेगा। कई लोग मेरे को पैसे कर प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हम शुद्धात्मा में रहेंगे तो फिर कर्म कैसे बनेगा? मैंने बोला तुम शुद्धात्मा में रहते हो वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये स्वभाव नहीं। जब स्वभाव में रहोगे तो फिर कर्म नहीं, मगर पुरुषार्थ करोगे तो फल तो मिलेगा, चाहे संसार का कहो चाहे आध्यात्म का कहो, फल तो मिलेगा। पुरुषार्थ का मतलब ही फल। तो ये जो मैं शुद्धात्मा पुरुषार्थ है, मगर वो आत्मा के साथ या तो मुक्ति के मार्ग के साथ जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है, इससे संसार नहीं बढ़ेगा। मगर आपकी नेक्स्ट बर्थ में शुद्धात्मा की जागृति संजोगों में रहेगी, आप समझे? कर्म तो बनेगा, मैंने कहा ना लास्ट बर्थ के सिवा हर बर्थ में कर्म बनेगा, लास्ट बर्थ में नहीं बनेगा, क्योंकि माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन यानी आत्मा का अनुभव हो चुका है। अभी स्वभाव में है, अभी पुरुषार्थ में नहीं। तो फिर फल का प्रश्न, मगर जहां तक पुरुषार्थ करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, चाहे संसारिक कहो चाहे आध्यात्मिक कहो, फल तो मिलेगा, आप समझे? तो इसीलिए कहते हैं अभी तक ये सिद्धांतों की बात बाहर नहीं निकली और लोगों ने भ्रांति में समझ लिया कि ये करने से मैं आत्मा में रहूंगा, कर्म नहीं बनेगा और मैं मुख चला जाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ये आपकी श्रद्धा हो सकती है, ये सिद्धांत और कुदरत का कानून सनातन सिद्धांतों के ऊपर चलता है, वो आपकी मान्यता के ऊपर नहीं चलता। मेरे को कई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में बताया गया है कि हम महावीर की भक्ति करेंगे तो एक दो अवतार में मोक्ष में जाएंगे, गीता वाला कहता है कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भी चले जाएंगे, वेदांत में भी कहते हैं। तो हर धर्म में कहने का सबको अधिकार है, मगर ये सिद्धांत आप सब कोई भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है? ऐसे मुक्ति अज्ञान निकालना वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और एक जैसे अभी कुछ भी भुगतान आती है, शरीर को नहीं आती, वो अहंकार भुगतता है, उसके साथ चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा देखती है मैं शुद्धात्मा, उस टाइम अगर वो सिचुएशन में अलग रहता है और शुद्धात्मा का प्रकाश, ये चार चीजें होती है, तो इसमें क्या सिचुएशन में मतलब क्या कर्म चार्ज होते हैं? यही वही मोक्ष मार्ग के लिए मतलब बताओ, जितनी एग्जाम में आप पास हो गए वो एग्जाम रिजल्ट के रूप में आएगी, तो उस समय आपको पुरुषार्थ नहीं करना, संजोग तो आएंगे मगर आप जो पास हो गए वो एग्जाम आपको देनी
और जहां फेल है तो आपको लेनी पड़ेगी, सिंपल बात है। जहां आप जागृति में रहेंगे तो वो जागृति अभी पुरुषार्थ है, बाद में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अभी जो जागृति आपकी अज्ञान में है वो जागृति का रिजल्ट आएगा। तो अगर आप शुद्धात्मा में रहे हैं, कर्म कोई भी है मगर आप शुद्धात्मा में रहेंगे तो वो जागृति अपने आप रिजल्ट में आएगी। तो उस समय जो संजोग होगा उसमें आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। जो एग्जाम में पास हो गए तो फिर दूसरे बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं, और जहां फेल हुए हैं वहां तो देनी पड़ेगी। ये सिंपल बात है, क्या है, समझ में आया ना? पर अहंकार जब मींस अपन कुछ भी करते कि मेरे को खुशी मिली है, तब अहंकार सोचते कि मींस शरीर के माध्यम से मिली है, तो उसी टाइम इसमें सुख है अगर सोचा अंदर से, और तो वो चार्ज हो गया और उससे सोचा कि नहीं ये तो हिसाब था, फिनिश हो गया। वो चार्ज क्यों होता है बताऊंगा। कुदरत कहती है मेरा है, मैंने आपको भुगतान के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं। और आप कहते मैंने इससे सुख पाया, आपको सुख भी नहीं लेना है, दुख भी लेना नहीं है, आपको हिसाब पूरा करना है वित्त संभव। बस पहले आपने राग द्वेष किया तभी तो संजोग आया, अभी राग द्वेष करोगे तो फिर संजोग चालू हो जाएगा। तो भुगतान कम, इसलिए हमारे जैन धर्म में जो 8 प्रकार के कर्म बताए हैं उसमें भुगतान का कर्म को बताया वेदनीय कर्म। क्या बताया? वेदनीय कर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग, और उसकी दो ब्रांचेस हैं, साता और असाता। वो हमारे अनुभव के लिए है, किसके लिए, अनुभव। बाकी है तो सफरिंग। भगवान किसी को सुख दुख मानते नहीं है, हम अपनी बुद्धि से अल्पमति से मानते हैं ये सुख है दुख है, बस यही हमारी दृष्टि की कमी है। भगवान कहता है भुगतान है, तो भुगतान आता है तो हम जीतात्मा लेके ले सकते हैं ना, तो जब ये जिज्ञासा से ये हुआ दृष्टि से ये हुआ कि समझ सकते हैं, तो परिणाम ही तो है। मेरा कहने का मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये विज्ञान तो समझने में अच्छा है मगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसका उपयोग करने में या पालन करने में। मैंने कहा कैसे डिफिकल्ट लगता है, आप 1 घंटे में 7 बार श्वास लेते हैं, कितनी बार समझने के लिए, 60 टाइम 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना हुआ, 3600 24 घंटे में कितना हुआ। तो आप अगर काउंट करते करते आप श्वास लोगे तो वो काउंटिंग से ही आप बेभान हो जाओगे, कितना श्वास लेना है जिंदगी में 100 साल में उसका आंकड़ा देख के बेभान हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये हमको सोचना ही नहीं है, हमारा काम पुरुषार्थ करना है। जैसे हम श्वास के लिए सोचते हैं ऐसे पुरुषार्थ के लिए मत सोचो, पुरुषार्थ करते रहो भाई। चूक गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, चूक गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो निश्चय करके। काउंट मत करो कितना भूल गया कितना भूल गया, छोड़ दो, इसके लिए निश्चय करना, निश्चय पक्का करते रहो करते रहो करते रहो। लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी 24 घंटे में मेरे को 5 मिनट 10 मिनट ही ये ज्ञान की जागृति रहती है, आप समझे 5-10 मिनट। तो मैंने कहा 10 मिनट रहती है कोई बात नहीं, कल 12 मिनट 15 मिनट कैसे रहे प्रयास करो। वो क्या सोचते, स्वामी जी 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट रहती है, तो उसको नेगेटिव मत सोचो ना, 10 मिनट रहती है तो कल 12 मिनट कैसे रहे, 15 मिनट कैसे रहे, 20 मिनट कैसे रह जागृति, ये सोचो ना कितनी मिनट नहीं रही, वो सोचो नहीं फिर प्रेशर होगा। मैंने कहा ना अगर आप सोचोगे कि मेरे को 50 करोड़ श्वास लेना है तो बेभान हो जाओगे,
कि मशीन को इतना चलाना है, तो सोचने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप चलता रहेगा। वो सोचने से श्वास लेना नहीं है। ऐसे हमको जागृति में रहना है और जागृति धीरे धीरे बढ़ेगी। कोई चिंता मत करो, पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास, जितनी बढ़ाना चाहते बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। ये मत सोचो कि 24 घंटे में कितना समय नहीं होता है, वो तो होगा ही सबको। अगर इतना फास्ट हो जाता है तो लोग भगवान बन जाते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। मगर वो नेगेटिव सोचने की भी जरूरत नहीं है। हर दिन यही सोचो कि कल से अगर 2-5 मिनट बढ़ती है तो अच्छी बात है, फिर 2-5 मिनट बढ़ती है, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली अपग्रेड होगा, एकदम चमत्कार। क्योंकि अज्ञान इतना गाढ़ हो चुका है, क्या हो चुका है, इसको निकालना इतना आसान नहीं। और अज्ञान के साथ हमारी बिलीफ बहुत पक्की है, कितने अवतारों से मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये बिलीफ कितने अवतारों से है और पक्की है, क्या है, एकदम से निकलना आसान। नॉर्मली तो हमको समझ में आ गया कि इसको जला दिया जाता है, मैं जलता, अगर मैं जलूंगा तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा, तो उस समय तो मालूम होता है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मगर जब जीते हैं तो मैं शरीर हूं ऐसे ही जीते हैं। तो वो जागृति धीरे धीरे कम करनी है और इसको बढ़ाना है, वो ग्रेजुअली होगा, क्या होगा, एकदम से नहीं होगा। और इसीलिए मैंने कहा प्रयास करते रहो, क्या बताया, प्रयास, थको मत। थोड़ा अटकते हैं, जैसे निमक थोड़ा ये हो जाता है, नहीं उलझ जाता है, वो तो राग द्वेष तो होते ही रहेंगे, वो तो कर्म फल के रूप में है तो हो गए, जिंदे नहीं होने चाहिए, क्या बताया, अंदर से अटैच हो गए, जो निकलता हुआ राग द्वेष से अटैच हो गए तो वो जिंदा हो गए, और डिटैच है तो वो मर गया। अब सुनो, निर्जरा वही तो पुरुषार्थ है, हम ये शरीर के कंट्रोलर हम नहीं है, ये बार बार पक्का करना पड़ेगा। मैंने 3 बात बताता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला मैं, ये 3 बातें बार बार पक्की करनी पड़ेगी। संजोग तो आएंगे, हमारी दृष्टि में क्या करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, ताकि उसकी इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और कोई चमत्कार नहीं होता। सही गलत का भी टेंशन वही रखना चाहिए, सही गलत तो व्यू पॉइंट है ना, आपके लिए सही है दूसरे के लिए गलत है, आपके लिए गलत है दूसरों के लिए सही है, अभी क्या करो, हाँ तो वो दृष्टि में से निकाल दो ना सही गलत, राज का प्रश्न क्या रहा, नहीं समझ रहे, सही गलत वही तो अज्ञानता है। आखिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ भुगतान है, इसको डिवाइड करोगे फिर राग द्वेष हो गया, सही के लिए राग करोगे, गलत के लिए द्वेष करोगे, वही तो संसार है, वही संसार है। तो विज्ञान में पाप पुण्य की बात नहीं है, अज्ञान मिटाने की बात है, क्या है, आप समझे, और धर्म में क्या है, पाप मिटा के पुण्य बनाओ, या तो पाप को मिटाने के लिए प्रायश्चित करो, या तो पुण्य बनाने के लिए धार्मिक पुरुषार्थ करो। तो यहाँ पाप पुण्य की बात है, मुक्ति की बात, और आपने बहुत सारा पुण्य आपने इकट्ठा कर लिया तो अच्छा मनुष्य भव मिलेगा, फिर मर जाओगे तो वो पुण्य खत्म हो गया, जीरो। मैंने और बहुत सारा उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य किया तो मैं देवलोक में जाऊंगा, मगर वहां पुण्य का कंज्यूम करके फिर जीरो के वापस आ जाऊंगा, तो ये प्राप्ति थोड़ी है,
इसीलिए तो मैंने कहा हम इस दुनिया में न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए, हम सब अपनी अज्ञान को मिटाने के लिए आए। यही तो साइंस है, और पाना खोना वही तो संसार है। आप समझे कि नहीं? और वही अज्ञानता को जड़ में से मिटाना है अपनी दृष्टि में से। पाना खोना ही संसार, जब तुम्हारा संसार में कुछ है ही नहीं तो पाना और खोने का सब्जेक्ट ही कहां रहा? कुदरत आपको भी देते हैं कुछ भी, वो आपके पुण्य के हिसाब से देते हैं और ले लेते हैं क्योंकि आपका पुण्य, मगर पाप पुण्य वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं। आत्मा खुद ही चेतन है, अविनाशी है और हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। इसको न कुछ पाना है न कुछ खोना है। इससे आप नीचे जाओगे तो फिर लगेगा कि मेरे को पाना और खोना है। आत्मा में तो पाना खोना शुद्धात्मा है, देखते हैं सामने की शुद्धात्मा देखते हैं तो ऑटोमेटिक सहयोग वैसे बन जाता है कि द्वेष और राग कम बन जाते हैं दृष्टि में से। व्यवहार तो रहेगा जो भी है वो निकलेगा, ऐसा नहीं कि बाहर का राग द्वेष खत्म हो जाएगा, वो तो निकलेगा। जो लपेटा हुआ है वो तो निकलेगा। अंदर का राग द्वेष खत्म होना ये विज्ञान का काम है। बाहर तो राम ने भी युद्ध किया, अर्जुन ने भी युद्ध किया, कृष्ण भगवान ने युद्ध करवाया, आप समझे, चक्रवर्ती तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया। तो बाहर का जो जीवन है वो तो कंपल्सरी है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो अंकुल दादा मोहन का तो अंकुल नहीं बन रहे हैं, द्वेष भी या राग भी संभव कहते हैं, संभव निकलता है। तो वही संभव हुआ ना, ये विज्ञान में रहोगे तो वही संभव ही है। राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं, वही तो संभव है। संभव ये दृष्टि की बात है, संभव ये भाव की बात है, ये मन वचन काय के क्रिया की बात नहीं। यही तो भ्रांति हो गई। लोग कहते कि मेरे को संभाव से निपटारा करना है, वो क्रिया के रूप में ले गए और इसीलिए बाद में वो पुरुषार्थ करने लगे बाह्य, फिर गलती हो गई। भी तुम जो हो नहीं, तुम जिसको चलाने वाले नहीं है, इसको कंट्रोलर तुम क्यों बन गए? बोला मेरे को अभी गुस्सा नहीं करना है, मगर तुम कंट्रोलर हो। वो करना नहीं चाहता है तो ठीक है, वो करना चाहता है तो भी ठीक है। तुम्हारा काम इसे क्या करना है? वो सोचेगा कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मेरे को डांट लगती है, तो उनका सब्जेक्ट है, आपको डांट लगती नहीं है। अगर ये वनवे में जाएगा ड्राइविंग करके स्कूटर लेके, तो पुलिस थोड़ा टिकट काटेगा कि नहीं? तो फिर ये नहीं सोचेगा कि मेरे को नहीं जाना है। इसमें आत्मा का सब्जेक्ट आ गया, आत्मा कहां बीच में आया? अगर ये बिजनेस करेगा और किसी को गलत व्यक्ति को माल दे दिया, लॉस हो जाएगा, तो ये समझेगा नहीं? दूसरी बार मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये उनका सब्जेक्ट है कि आत्मा का है? प्रकृति का सब्जेक्ट। तो इसमें प्रकृति वो सोचती है नहीं सोचती है वो हमको सोचने की जरूरत नहीं। आत्मा स्वस्व में रहता है तो हम ये सुख और दुख के पीछे क्यों भागते हैं? तो सुख के पीछे भागते हैं, दुख से दूर भागते हैं, तो ये क्यों होता है? आत्मा तो स्वस्वभाव में है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा स्वस्वभाव में रहता नहीं है ना। सुख और दुख आए कहाँ से? अज्ञानता से। अज्ञानता से आए, कहाँ से आए? अज्ञानता में तो कैसे आएगा? अज्ञानता हुई तभी तो कर्म बने और कर्म से सुख दुख मिलता है। अज्ञान नहीं है तो सुख दुख कैसे मिलेगा? आप समझे कि नहीं? ये सब भ्रांति, भ्रांति तो, भ्रांति तो है और क्या है? भ्रांति तो है। मैंने नहीं कहा था कि कैसी भ्रांति? 20 साल की उम्र में शादी करते हैं,
सात फेरा फिरते हैं और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या बताया, ये भ्रांति नहीं तो और क्या है? बिलीफ भी तो है, बस उस समय भ्रांति बैठ गई, जिम्मेदारी चालू हो गई। भ्रांति का मतलब अभी ये उदय कर्म है, वो भ्रांति कैरी ऑन नहीं करना है। उदय कर्म तो कंपलसरी है, मगर उसके उसमें से कुछ सीख लेना है हमको। अभी जो लेकर आए वो तो निकलेगा, उसमें से सार निकालना है। क्या निकालना है? वो श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कर विचार तो वाह, तो विचार बस अब सोचो तो सही, करना न करना वो मत सोचो। आखिर इसमें मेरे को क्या, मेरी उन्नति है? एक व्यक्ति ने बोला मैं आपको 1 किलो सोना दे दूंगा, हम राजी राजी हो गए, ले लिया और हमने माना कि हमको बहुत सुख मिल गया। अभी वो खाने में काम में नहीं आता, पीने में काम में नहीं आता है और श्वास लेने में भी काम में नहीं आता है, बराबर है? और हमने तिजोरी में रख दिया और जब भी होता है दिमाग में रहता है 1 किलो सोना मेरा तिजोरी में पड़ा है, 1 किलो सोना तिजोरी में पड़ा है। ऐसे करते 90 साल हो गए, कभी बाहर भी नहीं निकाला, दिमाग में रखा सोना तिजोरी में और यहाँ दिमाग में, इसको टच भी बाद में, ऐसे ही ऊपर चले गए। फायदा क्या हुआ? बस वही अज्ञानता, मोह मेरा है, बस करना कुछ नहीं है, दिमाग में रखना है। तो कुदरत ये कहती है ये दुनिया तुम्हारी है, देखो जानो समझो कुदरत को, पूरी दुनिया तुम्हारी है। मगर क्योंकि अज्ञानता के बस हम दुनिया के हो गए तो गुलाम बन गए, हम दुनिया हमारी थी, हम दुनिया के हो गए। अभी क्या होगा, कैसे दुनिया के हो गए? क्योंकि हम लाचार हो गए, भिखारी हो गए, भय वाले हो गए, आप समझे, तो हम दुनिया के हो गए। अभी हमने रखा एक, अभी की बात है, अभी मंदी चल रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। तो एक सेठ थे, मंदी का समय था, दोपहर का समय था, बोला मंदिर में तो कोई होगा नहीं और मैं भी ऐसे यहाँ बैठा हूँ तो चलो प्रार्थना करके आऊँ, वैसे भी बैठा हूँ मैं। तो मंदिर में चले गए 3 बजे चाय बाय पी के और प्रार्थना करते, पुजारी अकेला बैठा है और भगवान भी अकेला है और कोई है वहां भी, मंदी होती है दोपहर को तो वो चले गए और भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान मेरे बिजनेस को मंदी में से बाहर निकालो, ऐसे मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसी वो प्रार्थना करके निकल रहा है तो वो पुजारी कहता है सेठ जी आपने कौन सी प्रार्थना किया? बोला ये मंदिर के बाहर निकलने की मैंने प्रार्थना किया। तो पुजारी बोलता है तुम्हारी 2 मिनट की प्रार्थना का तुमको फल चाहिए, मैं 3 साल से यहाँ 24 घंटा खड़ा हूँ और पगार बढ़ाने की बात करता हूँ तो पगार नहीं बढ़ता है मेरा, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं उनके सामने ही बैठा हूँ और 3 साल से बोल रहा हूँ कि मेरा पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, वो बढ़ता नहीं है और तुमको 2 मिनट में फल चाहिए। मगर दुनिया चलती है चलाने वाला चाहिए, ऐसा है। अभी क्या करेंगे, तो दुनिया तो ऐसे ही चलेगी भ्रांति से। क्या बताया, और हम भ्रांति में ही फंसे हुए हैं। सच्चाई जानोगे तो हमको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि क्या हम ऐसे हैं। और किसी को प्रश्न करना है? निशेष का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को हमने 4 × 4 किया है तो उसकी अमाउंट आई 16 आई, ठीक है। अभी 16 आई, उससे 4 / 4 कर दो तो फिर क्या आएगा नीचे? जीरो का मतलब होता है निशेष, और निशेष का मतलब होता है भगवान, न राग न द्वेष।
अज्ञान को मिटाओगे तो राग भी खत्म हो जाएगा, द्वेष भी खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे निशेष हो जाओगे, प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, वो निशेष है। पुण्य भी संसार है और पाप भी संसार है, तो धीरे धीरे निशेष बनना है, प्लस माइनस कुछ नहीं, यही तो मुक्ति का मार्ग है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे खुद के पास भी हर प्रकार की अनंत शक्तियां है, फिर क्या जरूरत है? ये तो अज्ञानता के बस हम मांग रहे हैं लोक संन्यास। क्या बताया? लोक संन्यास वास्तविकता नहीं, लोक संन्यास समझ में आया? तो यही अज्ञान को निकालना है। अज्ञान बाहर नहीं है, अंदर है, हमारी दृष्टि में है, क्रियाओं में अज्ञान नहीं है, क्रिया तो मैकेनिकल है, क्या है? एक कंपनी में काम करना रहा, एक कारकुन था, कारकुन कहो क्लार्क कहो, वो काम कर रहा था तो सत्संग में आके मेरे को प्रश्न किया, स्वामी जी मैं तो बहुत पढ़ा हूँ, नौकरी करता हूँ, मगर जितना पगार चाहिए वो मिलता नहीं है, तो क्या करूं? तो मैंने कहा आप कुदरत के कानून को समझोगे तो कंप्लेन नहीं रहेगी। कुदरत क्या कहती है? मजदूर को मजूरी मिलती है, क्या मिलती है? मजूरी मिलती है, और बुद्धिशाली मुनिम को सैलरी मिलती है, और सेठ को प्रॉफिट मिलता है, वो मजदूरी भी नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो पुण्यशाली है और उसके पुण्य से आप दोनों काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो जब आपका पुण्य होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आपको सैलरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, और क्या मिल सकता है? तो बोला हमको भी प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना है? मैंने बोला साहस चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? साहस। बिना साहस सिद्धि, उसमें रिस्क होता है, क्या होता है? आप जो मजदूरी करेंगे इसमें रिस्क नहीं है, नौकरी करेंगे इसमें रिस्क नहीं है, कम ज्यादा मिल सकता है मगर रिस्क, या रिस्क है या प्रॉफिट मिलता है तो लॉस भी, या पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जोखिम भी लेना, आप समझे? तो ये बहुत बड़ी बात है, आप समझे? तो लोगों को ऊपर ऊपर से दिखता है। कस्तूरबी लाल भी थे, जब सात मिल के मालिक, कितने? सात मिल के मालिक, उस जमाने की बात करता हूं, वो सात मिल के मालिक थे और हर रोज एक एक मिल के अंदर एक एक घंटा देते थे, ओनली वन आवर फिक्स, जो भी निपटा रहा है निपटाना, एक घंटे में निपटा दो, कुछ कंप्लेन है साइन करना है, कुछ बताना है ऑर्डर करना है, एक घंटे में खत्म कर दो, फिर दूसरे मिल में जाए, तीसरे मिल में, और सात घंटे में सात मिल का काम खत्म करके फिर धार्मिक काम करते थे, सामाजिक काम करते थे, साधना करते थे, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को जो कुछ भी मिलता है ये इन सबों के सभी व्यक्तियों की वजह से मिलता है, इतने सारे कर्मचारी काम करेंगे, मैनेजर क्लार्क या लेबर जो भी काम करते हैं यही सब मेरे को पैसा कमा के देते हैं, मगर वो मेरे लिए खूब मेहनत करते हैं क्योंकि मेरा पुण्य है, तो पुण्य कहाँ से बना? मैंने कुछ इसको बोया है तभी तो मेरे को मिलेगा ना, और इसीलिए ये सब बड़े बड़े जो इसको सेठ नहीं कहते थे, श्रेष्ठ बोलते थे, क्या बोलते थे? श्रेष्ठ, सेठ से भी ऊपर होते हैं, तो श्रेष्ठ लोग सोचते थे कि इतने सारा पैसा इतने लोग मेरे को दे रहे, मेरे नाम पे काम कर रहे, फिर सोचते हैं कि ये लोग मेरे को पैसा दे रहा है, चाहे वो लेबर के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है, या ग्राहक के रूप में है, मगर ये सब लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं, ये मेरा पुण्य है, तो मेरा भी काम क्या है? मैं खुद खाऊं पीऊं, परिवार को अच्छा रखूं, और बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूं समाज में, क्योंकि वहां से ही आएगा, ऊपर से आएगा नहीं आएगा, समाज में से ही आएगा ना,
तो वो इतने ब्रॉड विजन वाले थे, क्या थे, इसीलिए श्रेष्ठी श्रेष्ठी बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने दान किया है, ऐसा नहीं बोलेगा। पड़ोसी को खाना नहीं है तो अनाज भिजवा देगा, वो नहीं कहेगा कि मैंने भिजवाया है, क्योंकि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों बोलूं। बोला नहीं, आप नहीं बोलोगे तो वो मान नहीं देंगे तो आपको, तो कोई तो मान का सवाल ही नहीं। जब मैंने उसको दिया है तो क्रेडिट कुदरत के पास से मिलेगी, व्यक्ति कहां से देगा, फिर वही व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा, ऊपर थोड़ी आएगा कोई व्यक्ति। काम करने वाला भी यहाँ है, मैनेजर भी यहाँ है, मजदूर भी यहां से मिलेगा और कस्टमर भी, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है तो उसको देना ही है। आप समझे क्या नहीं। आज मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया, सभी के इंडिविजुअली परिवार के अंदर सभी के मोबाइल में एटीएम रख दिया। अभी हर महीने भरते रहो, ये एटीएम में भरने का है लेने का नहीं, खींचता वो है, पासवर्ड उनके पास है, हमको तो डिपॉजिट करना है, क्या करना है, वो घर पे बैठे ले लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, वो पुण्य है तो एटीएम है ना, और हमको कंपल्सरी बनना पड़ता है, ऑप्शन भी उसका पुण्य है ना। देखो एक कुदरत का काम, मैं क्या कहता हूं कानून समझो, ये रैंडम नहीं है, ये कानून समझने की बात है। और जब कानून समझोगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा भी भाव क्या होना चाहिए। और इसीलिए हमारे साधु संत सन्यासी जो जितने प्योर थे उन्होंने यही कहा, जैसे कबीर जी ने, खा पी खिलाई दे कर ले अपना काम, बाकी रहे रे नरो संग न चले बादाम, एक बादाम भी साथ में नहीं है। लोग कहते हैं हम अपने परिवार के लिए बचाते हैं, अपने वारसदार के लिए पैसा बचाते हैं, कुदरत कहता है सब अपना अपना तकदीर लेके, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुमको काम लगेगा, उनका इन्वेस्टमेंट तुमको काम नहीं लेगा। आपने बच्चों को पैसा छोड़ दिया, ये उसका पुण्य है, इसका आपको लाभ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को दिया वो आपका इन्वेस्टमेंट। और ब्लड रिलेशन में आपका ड्यूटी है या तो वारसागत है, वो कंपल्सरी है, क्या है उसमें चॉइस, तो इसका बेनिफिट तो खुद ही रिजल्ट है। तो ये समझने की बात है। और इसीलिए महान पुरुष ये करते थे अपने जीवन में। नरसिंह मेहता को जब एक बार किसी ने पूछा कि तुम नौकरी काम करो ना, वो काम नहीं करते थे, हालांकि उनके पास इतना ज्ञान भी नहीं था, इतना छोटा मोटा कुछ काम करते थे, भजन भजन गाते थे, लोग उसको दाल चावल देते थे और अपना परिवार निभाते थे, और कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे, तो वो ऐसा प्रकृति लेकर आए थे। फिर नरसिंह मेहता को कहा कि तुम कुछ काम काज करो, तो उन्होंने कहा मैं काम काज तो करता हूँ, एक ही काम है हरि भजन, और कोई मेरे को, तो बोला हरि भजन करने से खाना थोड़ी मिलेगा, तो बोला आप काम करके भी हरि का भजन करते हो, मैं बिना काम करता हूँ, नहीं समझ में आया, आप काम करके भी क्या करोगे, उनसे प्राप्त करना चाहते हो ना कुछ शांति कहो, संपत्ति कहो, साधन कहो, संजोग कहो, उनसे प्राप्त करना चाहते हो, मैं डायरेक्ट मांगता हूँ, बात एक ही है, मैं आप इनडायरेक्ट मांग गया। तो देखो महान पुरुषों की सोच कैसी होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हर महान पुरुषों की सोच में सच्चाई होती है, क्या होती है ये समझने की बात है। आप समझे, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, धार्मिक स्थल में जाते हैं, तो बहुत सारे भिक्षुक लोग बाहर बैठे हैं, और वो हम इसको दान पुण्य करते हैं, खाना पीना जो भी चाहिए वो देते हैं हमारी संजोग के मुताबिक। तो एक सेठ था, तो उन्होंने बाहर जाके निकल रहा था, तो भिक्षुक ने कहा सेठ जी मेरे कुछ, तो सेठ कहते अट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता है, भीख मांगता है। तो भिखारी ने तो साफ बोल दिया, साहब हम तो पेट के लिए भीख मांगते हैं, तुम तो मन के लिए अंदर भीख मांग के आए, मैं
नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हम तो पेट के लिए भीख मांगते, तुम तो दिमाग के लिए। मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिविल चाहिए, इतनी बड़ी भीख मांग के आए, हम तो पेट के लिए मांग रहे हैं। नहीं समझ में आए तो बड़ा भिखारी कौन है? बोलते नहीं, सच्चाई को तो समझना ही पड़ेगा। सच्चाई को आप गलत नहीं कह सकते। भीख तो भीख है, छोटी है या बड़ी। तो बात यह है, मगर हम हर बात को समझते नहीं है। और हमको भीख क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हमको मालूम है, ऐसा दिमाग में सेट हो गया है कि मांगने से ही मिलेगा। कुदरत कहते हैं बिना कर्म कुछ मिलता नहीं। कर्म किया हो तो फल मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी, क्योंकि आपकी क्रेडिट है तो आपको मिलेगी। पाप का भी मिलेगा फल और पुण्य का भी, दोनों मिलेगा। वो मांगने की जरूरत कई लोग कहते हैं स्वामी जी मैं तो अभी महाविद्या क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी का दर्शन करके मोक्ष में जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी भावना है। मैंने बोला जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर बिना क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मिलेगा। न महाविद्या क्षेत्र मिलेगा, न सिमंदर स्वामी मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई व्यक्ति नर्क गति की भावना करता है तो क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। देवलोक भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। पशु योनि क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। मनुष्य भाव भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। तो ये क्वालिफिकेशन की बात है कि मांगने की बात है? अगर मांगने से मिलता है तो हर लोग कहेंगे कि मेरे को राजा ही बनना है, या तो मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसा हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है। क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर कुदरत को देना ही पड़ेगा, इसमें मांगने की जरूरत। अगर आपके कर्म सतयुग के लायक होंगे, अगर आपके कर्म सिमंदर स्वामी की बातों को समझने के लिए लायक होंगे तो फिर सतयुग में मिलना, तीर्थंकर भगवान भी मिलना और मोक्ष में जाना, ये तीनों संभव है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो। सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से मिलता हो तो सब लोग मांगेंगे, आप समझे ना? ऐसा नहीं मिलता। जो पुण्य का जो बैलेंस आ गया उसके हिसाब से, इसके हिसाब से पुराने भाव में हमने क्या पुण्य का आपको क्या मांगा। और दूसरी बात यह है, जिंदगी में कोई भी संजोग आते अच्छे या बुरे, हारने की जरूरत नहीं है और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर भी कुदरत ने दिया है और संजोग भी कुदरत का है और हर साधन भी कुदरत का है। इस जन्म में अपन जो भाव करते हैं वो भी पुराने पुण्य के हिसाब से भाव होते हैं। बस पुण्य के हिसाब से संजोग मिलते हैं, संजोग मिलते हैं, उस हिसाब से भाव होता है। भाव तो आज के ज्ञान दर्शन से होता है और संजोग पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप। तो आज का भाव है इसका फल। पुण्य होगा तभी हमारे से क्रिया होती होगी। क्रिया पिछले अवतार के कर्म फल से है और भाव आज का पुरुषार्थ है, जिसका फल नेक्स्ट। भाव का रिजल्ट आएगा। हाँ, भाव से भव है, क्रिया से भाव। अभी नहीं आएगा ना, रिजल्ट आना चाहिए, आएगा ना। लोगों इंटेंशन होता है, रूटीन को बोलते हैं। रूटीन बोलने से कोई फर्क नहीं होगा। क्वालिफिकेशन बताया, क्या बताया? क्वालिफिकेशन। मेरे को मोक्ष में जाना है, वो भावना से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में जाने के लायक पर शायद सिंधु। हाँ, वो जरूरत है। ये कुदरत आपके वो होंगे तो सेटे करेगी। और आपने आपके सभी पुण्य को वो बैलेंस के सामने रख देना पड़ेगा। आपका जो कुछ बैलेंस है पुण्य का, इसको कहो कि मेरे को क्या चाहिए, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, ये मेरी चॉइस नहीं है, मगर जो भी पुण्य है इसके लिए मेरे को मोक्ष के लिए लायक और सहायक चाहिए। मेरे को महल मिले या झोपड़ी मिले कोई प्रश्न नहीं, मगर मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए सहायक मिले, संसार के लिए सहायक मिले।
तो ये आपकी चॉइस है, आपके पास क्रेडिट है तो क्रेडिट कहाँ कंज्यूम करना है वो आपकी चॉइस है। वो भाव के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी भाव में तो नहीं मिलेगी, भाव करने से पूरा नहीं होगा, भाव के साथ आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है क्रेडिट, और उसी पुराने भाव की क्रेडिट, हाँ, और उसी प्रकार के बातों को समझने का आपका डेवलपमेंट। जब मोक्ष की बात आती है तो डेवलपमेंट चाहिए, और जब संसार की बात आती है तो पाप पुण्य की क्रिप क्रेडिट चाहिए, और जब मोक्ष की बात आती है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, इसमें क्या होता है आपकी डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट भी चाहिए, और वितराग परमात्मा की बातों को समझने की क्षमता चाहिए। आप समझे, ये होगा तो फिर वहाँ जन्म होगा, और इसके बाद तीर्थंकर भी मिलेंगे और उनकी बातों को समझ भी सकेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं। आज ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने क्या कहा कि मेरी बाल के टोच जितना भी साइंस बाहर क्यों नहीं निकला, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे पास है या नहीं वो तो क्वेश्चन नहीं था, मगर जब पूछने वाले नहीं होंगे तो निकलेंगे कैसा, और नहीं निकलेगा तो लोगों को लाभ भी नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि मेरे को सब समझ में आ गया, फिर क्या मतलब है जब निकला ही नहीं है तो। और इसीलिए जो विज्ञान आज तक कुदरती रचना के रूप में नहीं निकला बिना संजोग, और यही विज्ञान आज निकल रहा है, क्योंकि विज्ञान दो प्रकार के नहीं होते, मैं के मेरे के बाद और कोई व्यक्ति भी कहेगा तो विज्ञान तो यही रहेगा, शायद प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, एग्जाम्पल डिफरेंट होगा, मगर साइंस तो साइंस नया कहाँ से लाओगे, कोई भी व्यक्ति 24 तीर्थंकर ने भी जो अनुभव किया साइंस का वो यही एक ही था, वो किसी ने बनाया मगर जो था इसका अनुभव किया तभी उसको वैराग्य आया, क्या आया, तभी राग द्वेष नहीं रहा, तभी मोह खत्म हो गया, तभी ये संसार के अंदर कुछ पाना है या कुछ खोना है दोनों सब्जेक्ट ही नहीं रहा। आप देखो जब पाना और खोना सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो संसार में इंटरेस्ट रहेगा, मगर सब्जेक्ट रहेगा वहां तक तो इंटरेस्ट भी, वहां तक कर्म भी राग द्वेष भी होगा, और पूरा इंटरेस्ट यहां डालना है आत्मा की खोज, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की शक्ति की अनुभूति, तभी ये संसार में वैराग्य रहेगा, और वैराग्य रहेगा ऐसे वैल्यू भी कम, ऐसे वैल्यू कम करने से नहीं होगी, अकेले त्याग करने से भी वैल्यू कम नहीं होती है, ये दृष्टि की बात, दृष्टि और माइंड, दृष्टि भी और माइंड भी सेट होना। क्या हुआ ये डेव्ड और डेव्ड विया और मोरोसी प्रिंसेस से बोलते ना अमन में थोड़ा बोलते, ये सब क्या है, ये सब सहयोग करते हैं अपने देवी देवता है ना, तो ये देवी देवता है, अभी आपका प्रश्न क्या है, वो है और अपनी जगह पे है, जैसे मनुष्य है मनुष्य लोक है, या मनुष्य लोक में मनुष्य और तेरिया तो दोनों है, नीचे नर्क लोक है ऊपर देव लोक है, सब लोग अपनी जगह पे रहते हैं, अभी आपका प्रश्न क्या है, आपका पुण्य होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, पुण्य हो गया तो करेंगे, वो ड्यूटी पे है, वो डोनेशन नहीं देते हैं, यू अंडरस्टैंड, ऑल द देवी देवताज आर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी समझते हैं, वो फर्ज निभाते हैं, वो डोनेट नहीं करते हैं कुछ, तो आपकी पुण्य होगी तो वो सहायक बनेंगे, और पुण्य नहीं होगी तो सहायक, ये दुनिया के कोई मालिक थोड़ी है, न देवी देवता मालिक है न इंसान मालिक है, कोई मालिक नहीं है, ये कर्मों का खेल है, निमित्त कोई भी बन सकता है, इंसान भी बन सकता है, देवी देवता भी बन सकते हैं, मगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं, आप समझे, पावर्स अलग अलग हो सकते हैं, मनुष्य से देवी देवताओं का पावर ज्यादा होता है, इनको जो कुछ भी देना है वो मेहनत करके कमाई करके
नहीं देने, मगर बिना पुण्य वो भी दे सकते हैं। मैंने कहा वो ड्यूटी पर है, क्या है कृष्ण भगवान का था, जब अंतिम समय में पानी के लिए थे, सभी देवी देवता खड़े थे, उनको पानी नहीं पिला सके। रक्षा करते थे भी बहुत सुना मैंने, रक्षा करते जैसे वो देवी देवता और इंसान में फर्क क्या है कि देवी देवता जो भी कुछ हमको देते हैं वो कैशियर की तरह काम करते हैं। कैशियर समझते हैं, कैशियर लोगों को पैसा देते हैं ना तो उनको पुण्य मिलेगा, बोलते नहीं। एक हजार व्यक्ति को आज पैसा दिया मैंने बैंक में से, तो मेरे को पुण्य मिलेगा नहीं, आप समझे। और लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया तो मेरे को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मेरा कुछ भी देना भी मेरा नहीं, लेना भी नहीं है, आप समझे। ऐसे ऐसे देवी देवताओं को पाप पुण्य, क्योंकि वो डोनेटर नहीं है, आप समझे। वो आपके कर्म के मुताबिक देते हैं, यहां से यहां दे दिया, उनका खुद का है नहीं। और अगर मनुष्य अपने पास से कुछ भी देता है कर्ता भाव से तो पुण्य भी बनता है, अगर उनके पास से देता है तो। देवी देवता के उनका कुछ है ही नहीं तो पुण्य की सवाल नहीं, और पाप का भी सवाल नहीं है। मनुष्य तो पुण्य भी चार्ज कर सकता है और पाप भी कर सकता है, देवी देवता पाप पुण्य चार्ज नहीं कर सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है। मनुष्य तो पुण्य से अपना प्राप्त कर सकता है, और जब देंगे तो उनको क्रेडिट भी वो देंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो कैशियर है, कैशियर समझते हैं ऐसे, तो पुण्य भी नहीं। और ये सब बातों को समझना पड़ेगा, ये गोल गोल नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? जो अपन आँख से देखते हैं ना, आँख नहीं देखती है ना, तो कौन देखता है? वो आपका डिस्चार्ज चित है, चित चित का दूसरा नाम है ज्ञान दर्शन, जो लेकर आए हैं उसी प्रकार से दिखता है। आप वो हर प्रकार की बिलीफ भी लेकर आए, आप जिसको देख कर कहते हैं ये मेरे हस्बैंड है, दुनिया नहीं देख सकती है, व्यक्ति को देख सकती है, रिलेशन नहीं देख सकती, क्योंकि ये आपका विजन ज्ञान दर्शन कर्म के साथ लेकर आए है, या मेरे माता पिता है, वो आपका विजन है, वो लेकर आए, ऐसा ज्ञान दर्शन चित में लेकर आए, और इसीलिए वो दिखता है, आप समझे ना। वो व्यक्ति के रूप में है मगर रिलेशन रूप के रूप में आपका हिसाब है, तो हिसाब के आधार से हम जीते हैं, व्यक्ति के आधार से नहीं, आप समझे। चलो भी एक बच्चे ने झगड़ा किया और इनको लगा, और हमने सुना कि ये बच्चे को लगा है, मगर मेरा नहीं है तो इतना कुछ ज्यादा नहीं, और मेरा बच्चा है तो फिर होगा, तो प्रश्न बच्चे का नहीं है, मेरा बस वहां बिलीफ है, वो बिलीफ नहीं। तो दुनिया में सब कुछ ऐसा है, बिलीफ से दुनिया चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती है, न व्यक्ति से चलती है, न साधनों से चलती है, आप समझे। कार मेरी है तो रागवेश है, कार से रागवेश मेरी है तो रागवेश है। हर बातों में मालिक की भाव और कर्ता भाव से ही रागवेश होता है, साधन से या व्यक्ति से रागवेश नहीं होता है, हमारी बिलीफ से होता है, और इसीलिए कहते हैं मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, इसका सिंपल में कहते हैं रॉन्ग बिलीफ, और इसके सिंपल में कहते हैं अज्ञान। क्या कहते हैं? बात एक ही है, बात एक ही है। कुछ भी जो चीज अपन देख रहे हैं, जैसे ये फोटो देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, तो वो सिर्फ चित्त की वजह से देख रहे हैं, चित्त की वजह से, वो भी आपका चित्त के पीछे बिलीफ लेकर आए, इसलिए चित्त का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन जो लेकर आए, उस प्रकार से देखते हैं आप, पैदा होते ही
ये मेरे माता पिता है, ये मिलिप कहाँ से लाए, लेकर आए, ये मेरे भाई बहन है, इसके साथ आपकी फीलिंग भी लेकर आए हैं और उसी के साथ आपका जीवन चलता रहेगा। और समय समय में आज माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पड़ोसी मिले, रिलेटिव्स मिले, कल पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, बच्चे मिलेगा, ये भी समय समय पे कर्मों का खेल से मिलता है और वो सब बिलीफ ज्ञान दर्शन वाली हम लेकर आए हैं, तो उसी प्रकार से काम होगा। कई लोग कहता है कि स्वामी जी ये कितना मेहनत करते हैं, 5 साल से अभी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा इसका ड्यू डेट अभी बाकी है। क्या बताया? ड्यू डेट होगा तो वो कंपलसरी शादी करेगा, क्योंकि वहां से उसके कर्मों की भुगतान शुरू हो गई है, तो उसमें कोई ऑप्शन। मगर जब जब इसकी ड्यू डेट नहीं आई है, आप कुछ भी करोगे शादी, जब उसका समय नहीं आया तो क्या करोगे? तो हर बात अपने समय पे होती है, अपनी मर्जी से, ये लाइफ मर्जी से नहीं चलता है, अपने कर्मों के हिसाब से चलता है ये जीवन, अपना कर्मों के अपनी मर्जी से नहीं चलता है। और इसीलिए रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करनी पड़ी, क्योंकि चॉइस उनके पास नहीं थी तो क्या हमारे पास हो सकती है? बस यही अज्ञानता है। समझ आए? फिर आंखों के नंबर बढ़ना कम होना वो भी क्या है? वो तो ये पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है वो कर्मों के साथ जुड़ी है। तो जैसे आपका कर्म कमजोर होगा क्या होगा? कमजोर होगा तो आपकी आंख भी ऐसी हो जाएगी, कान भी ऐसे हो जाएंगे, नाक भी ऐसा है स्मेल नहीं ले सकोगे, दांत जीभ ऐसा हो जाएगा, अब खाना भी नहीं खा सकते, ये चमड़ी भी स्पर्श वाली नहीं हो जाएगी, कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन इतनी चमड़ी हो जाएगी तो कुछ मालूम नहीं होगा। तो ये सब कर्मों की भुगतान की बात है। 5 senses 20-25 में दिखना कम हो जाता है, 40 में दिखना कम हो जाता है, साइड में भी बराबर दिखता है। ये कर्मों की बात है, ये इंस्ट्रूमेंट तो है मगर इंस्ट्रूमेंट काम करता है कर्मों के हिसाब से। आप समझे? इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, आप समझे, कर्मों की वजह से काम करता है। तो कर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है? ये आंख नहीं देखती है, आंख तो इंस्ट्रूमेंट है। और किसी को प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। प्रश्न करना है? और कोई लेडीज में से किसी को प्रश्न करना है? बहन को ऐसा मौका कम मिलेगा कि सनातन सत्य को समझने मिले। व्यवहार सत्य, धार्मिक सत्य तो आपको कहीं से भी मिलेगा। जागृति इस जन्म में रहेगी, फल तो नेक्स्ट पर, जागृति का फल अभी मिलेगा मगर फिजिकल रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। जागृति तो काम करेगी, जागृति पुरुषार्थ में काम लगेगी। आप नव कलम बोलते हैं तो उनकी जागृति रहेगी तो आपको पुरुषार्थ में सहायक मिलेगी, सहायता मिलेगी। आप समझे? समझाए? तो आज का पुरुषार्थ, आज का बीज कल का ये फल रहेगा। बिना पुरुषार्थ तो फल नहीं होता है।
और ज्यादातर आज समाज के अंदर क्या हो गया है, लोग क्या कहेंगे कि सामने वाला गलत करेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को भी गलत करना पड़ेगा। तो वो सोच ठीक नहीं है, ट्रीट फॉर ट्रेट ठीक नहीं है। इस संसार में भटकाने के लिए क्या है, संसार में हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कैसे भी करके ये संजोग को हम स्वीकार कर ले, डाइजेस्ट कर ले। क्योंकि आपने जब ऐसा माना कि सामने वाले व्यक्ति ने ये किया है, इट मीन्स उनको आपने पावर दे दिया, फिर कुदरती रचना नहीं बोल सकते हैं। आप इसको क्यों इतना महान बना देते हो क्या उन्होंने किया? दुनिया में किसी व्यक्ति के पास श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि गलत करने वाला या सही करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी या स्वतंत्रता से नहीं करते। यही तो मेरा हिसाब है उनके साथ का। ये नहीं समझोगे तो फिर राजवेश होगा और वो आपकी अज्ञानता रहेगी। क्या रहेगी? आपने माना कि उन्होंने ऐसा किया, ये आपकी अज्ञानता है। कुदरत ने कहा मैंने करवाया है। कुदरत कहते जन्म से मौत तक इंसान जो कुछ भी मन वचन काया से करता है वो मैं करवाता हूं, क्योंकि उसके कर्मों का फिर कहूंगा कि मैंने किया आपने किया, यही तो अज्ञानता है। आप भी करने में स्वतंत्र और सामने वाला भी, और ये मानोगे तभी तो अज्ञानता जाएगी ना, हम तो जाएंगे कैसे? और अज्ञानता जाएंगी तभी राग द्वेष नहीं बनेंगे। अज्ञानता के साथ राग द्वेष नहीं करना है ये पॉसिबल, अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा। और वो दृष्टि में पड़ी है, क्या पड़ी है? तो वो दृष्टि को बार बार क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमारे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, ये आंखों की बात नहीं है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन, बिना दृष्टि, बिना नयन की बात। और तो बिना नयन की बात के लिए आपको ज्ञात दृष्टि चाहिए, ये आंखों की देखी बात नहीं है। आप समझे, हम सब जानते हैं कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा है तभी तो वो जीवित है, मगर होते हुए भी देख सकते नहीं है क्योंकि वो बिना नयन की बात है, वो आंखों की बात नहीं। मगर उसके लिए दृष्टि का नयन चाहिए तभी उसमें दिखेगा। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, तो पहले दृष्टि मिलेगी बाद में आपको दिखेगा। ये आंखों की चर्म चक्षु की बात नहीं है, ये ज्ञान चक्षु की बात है। हाँ मगर वो दृष्टि चाहिए ना पहले, समझ में आए। और हम जो है उसकी बात करते हैं, नहीं है उसकी बात नहीं करते। आखिर वो आत्मा है ही, तभी तो इसका अस्तित्व है। अगर आत्मा निकल गया तो शरीर की वैल्यू क्या है? मगर अंदर आत्मा है और बाहर शरीर है तो शरीर को चलाने वाला कौन है? और हम क्या मानते हैं? हम चलाते हैं, या तो सामने वाली व्यक्ति चलाती है। बस यही अज्ञानता को निकालना है, कर्म के भुगतान तो करनी पड़ेगी। अज्ञानता निकालोगे तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे। तो अज्ञानता निकालना वो इम्पोर्टेंट है। हम आज तक अपनी प्रकृति को बदलने का प्रयास करते थे, या तो हमारी बदलने का प्रयास करते थे या दूसरों को। ज्ञानी कहते समझ में नहीं आता है जिसको आज या तो कल जलाना ही है और जो खुद है नहीं इनके लिए इतना मेहनत क्यों। और ये तो मशीन है, क्या है? अगर श्वास बंद कर दिया तो मशीन
इसकी वैल्यू कितनी बताओ? 10 मिनट श्वास बंद हो गया तो खत्म। इसमें फिजिकल फिटनेस की जरूरत नहीं। इसमें सोना चांदी डायमंड बीच में संपत्ति बीच में नहीं आएगा। 10 मिनट श्वास बंद कर दिया, सब खत्म। आप समझे? एक महान पुरुष ने कहा है, आदमी 50 साल तक धन प्राप्त करना चाहते हैं, 50-60 साल तक वो धन प्राप्त करना चाहते हैं, और 60 साल के बाद वो पाया हुआ धन शरीर को बचाने के में खर्च कर देता है। पहले वो शरीर से धन प्राप्त करेगा, फिर बाद में वो शरीर को बचाने में वो धन खत्म कर देगा। क्या बताया? कुदरत कहती है तुम्हारा क्या था तो तुम्हारे पास रहेगा। जब इंसान स्मशान में जाता है तब कुदरत यही कहती है कि जब तुम पैदा हुए तभी मेरे को मालूम था एक न एक दिन तो यही आने वाले हो, यही तुम्हारा अंतिम स्थान है। क्या है अंतिम स्थान? है क्या बताया? शरीर का अंतिम स्थान है। मगर ये अंतिम स्थान में आने से पहले आपने जो 50, 60, 70, 80, 90 साल बिता दिए, क्योंकि वो आपका कर्म था तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। मगर अंतिम स्थान में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप समझे ना? इसमें कोई पसंदगी नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। और इसीलिए कुदरत कहती है गर्व मत कर। क्या बताया? कुछ नहीं है तुम्हारा, जो कुछ भी है वो मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। गर्व मत कर, आपके पास है तो आप यूज करो, आपके लिए भी करो दूसरे के लिए भी करो, मगर गर्व वैसे भी तुम्हारा नहीं है। तुम यूजर हो, चाहे खुद के लिए उपयोग करो या दूसरों के लिए करो, मगर ओनर तो है ही नहीं। यूज नहीं करोगे तो भी ऐसे ही छोड़ के। एक सेठ था बनिया, उनके पास एक तिजोरी थी बड़ी, मगर तिजोरी ऐसी थी उनके अंदर वन वे रास्ता था। क्या था? आप समझे? इन इज कमिंग आउट गोइंग बंद। क्या बताया? इनकमिंग चालू आउट गोइंग बंद था। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ इतना सारा पैसा क्या करोगे? बोला नहीं, बाद में काम आएगा। क्या बताया? ऐसे सोचते रहे जीवन में। फिर दूसरे सज्जन आए, बोला सेठ आपकी उम्र अभी 90 साल हो गई है, अभी तो लक्ष्मी का मुंह कम कर दो। तो बोला नहीं, ये आगे काम आएगा। तो वो सज्जन कहते सेठ जी आपसे अच्छा तो ये एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, कम से कम सैलरी तो मिलती है। नहीं समझ में आया आपको? तो सैलरी भी और पूरी रात नींद नहीं आती। इसको बचाने के लिए आप समझे ना, एटीएम वाला तो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको पैसा भी मिलता है, इनको तो पैसा भी नहीं। क्या मतलब है? मगर इंसान सोचता नहीं है ना, क्या नहीं करता है? सोचेंगे तो मालूम होगा ना, ये की बातों किताबों में नहीं होती है, सोच से निकलती है, दृष्टि से निकलती है। आप समझे ना? तो जब सोचेंगे तो मालूम होगा। कई लोग कहते हैं कि स्वामी हम अपना जीवन जीते हैं सुख के लिए जीते हैं। मैंने बोला सुख है दुनिया में? हर व्यक्ति लेबर करता है, लेबर समझते हैं?
बचपन से लेके अभी तक मजदूरी करता है, चाहे खुद के लिए करे, परिवार के लिए करे, पति पत्नी बच्चे समाज के लिए करे, राष्ट्र के लिए करे, सब लेबर ही तो करता है, क्या करता है और कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं है, क्या बताया, मगर आनंद रहता है जब मैंने किया, बस है लेबर। ये कलयुग में सेठ श्रेष्ठ नहीं होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहो परिवार के। इसीलिए कलयुग में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मजदूरी करने वाला है और दूसरा बुद्धि चलाने वाला है, श्रेष्ठ है ही नहीं। सबको मजदूरी करना है, ब्रेन का यूज करो, शरीर में मेहनत करो, ब्रेन का यूज करो, बस पुण्यशाली होते हैं। पहले जमाने में श्रेष्ठ क्या थे, उनका मजदूर भी ऐसा मिलता था ईमानदार और मुनिम भी ईमानदार। सेठ तो आते थे खाना बाना खा के, धर्म भगवान का नाम लेकर आते थे, बैठते थे और मुनिम बोलते थे कि सेठ मैंने ऐसा सौदा किया, ये माल खरीदा, ये माल बेचा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, नहीं यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है, पर सेठ चले जाते थे, उनको धंधे के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, उनके दिमाग में तेजी मंदी भी चलती नहीं थी, सब मुनिम के मन में थी, क्या थे? ऐसे पुण्यशाली लोग थे, आप समझे। मगर उस जमाने में सेठ भी मुनिम और मजदूर को अपने पैसे का हिस्सेदार मानते थे, भले सैलरी देते थे, मगर उसके जीवन में जब भी शादी आए, बीमारी आए, पढ़ाई की बात आए, तो वो कुछ पैसा देते थे, बोला मेरे कमाई का ये हिस्सा है सबका, ऐसे पार्टनर नहीं है मगर वास्तव में वो पार्टनर है, तो ऐसा ही मानते थे। पैसा कम देते थे मगर उसकी हर प्रॉब्लम में वो खड़े रहते थे, ताकि उसको फिर और जगह जाने का वो सोचते नहीं थे, ऐसे उस जमाने में था। और वो बात भी बराबर है, जब कोई व्यक्ति एक ही जगह पे 25-30 जगह काम करेंगे तो सब कुछ इसको मालूम होता है, तो सेठ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मुनिम को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनुभवी हो गए और तुम्हारे जीवन की हर समस्या का सेठ समाधान करते, फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बस ये। तो उस जमाने में ऐसा था, मगर आज तो सब मजदूर बन गए, क्या बन गए, सबको मेहनत करना है, सबको सोचना है, सबको बुद्धि लगाना है, क्योंकि ऐसा काल आ गया, क्या आ गया, कलयुग। क्यों करना है ये कोई नहीं सोचता, सही। कलयुग में मन वचन का और सतयुग में मन वचन का एक होती है, कलयुग में डिफरेंस होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे बोलते हैं, सत्युग में लोग ईमानदार होते हैं, फिर जो सोचेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे, बेईमानी नहीं होती है, आप समझे ना, ईमानदार लोग होते हैं। और क्यों ईमानदार है, माहौल ही ईमानदार सबका है, तो फिर बेईमानी करने का सोचेंगे भी क्यों। सत्युग में अगर गलती हो जाती है तो उसको बहुत एहसास होता है कि गलत हो गया, जान बुद्धि तो करते ही नहीं, हो जाती है। और कलयुग में क्या होता है, अगर मैंने कोई नहीं किसी ने सच्ची बात बता दिया, इसका अफसोस होता है कि क्यों बता दिया मैंने, ये दोनों अलग हैं। कलयुग में गलती का एहसास होता है और सत्ययुग में सही बात बताने का एहसास होता है कि मैंने गलत कर दिया, ये सही बताया वही गलती है मेरे, समय अलग हो गया है। तो ये बात है, समझ गया। यस प्लीज। कर्मों का विस्तार से उत्तर चाहता हूँ, मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है। कोई बात नहीं। ये राजनीतिक लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, ये परम सुख का भोगता है, दूसरे करते दिन लिखते बुरा कर्म, दूसरी तरफ जेल है, बाणिया जो भी है, पटेल ब्राह्मण, ये हर तरफ से अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो भाई जो सरकार को टैक्स देना हो, चाहे धर्म के काम में हो, चाहे सामाजिक काम, चाहे वाणी में हो, चाहे सामाजिक में हो, सभी चीज में अच्छी करते, लेकिन बुरे जो उपभोक्ता उनको मान सम्मान हर ऊपर से ऊपर रहता है,
ये जो अभी कैटेगरी है इनको जो सब कुछ अच्छे करते हुए भी मान सम्मान ही नहीं तिरस्कार भी मिलता है इस जमाने में इसका। जो आदमी को गिरना है, क्या बताएं, गिरना है, इसको इस दुनिया में ऊपर ही रखना है, क्या बताएं, जितना ऊपर जाएगा इतना नीचे गिरेगा, नहीं समझ में आया। और जो आदमी जड़ से जुड़ा हुआ है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वैसे भी जड़ पर है, मगर इसको गिरना है तो बड़ा भी बनाना पड़ेगा, तभी हाइट बढ़ेगी ना। मैं यहाँ से गिरूंगा तो क्या हुआ, फिर 10 फुट से गिरूंगा तो कम लगेगा, फिर 50 फुट से तो और ज्यादा, फिर 500 फुट से तो और ज्यादा, और 5000 फुट जाऊंगा तो और ज्यादा लगेगा। तो कुदरत कहती है आपको हाइट इतने देते हैं गलत काम करके भी, क्योंकि इससे नीचे आपको तो मार भी आपको ही खानी है। आप समझो, जो लोग नॉर्मल रहते हैं वो गिरते भी नहीं है। आज मैं सिंपल बात करता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर बनिया की पॉपुलेशन कितनी है बताइए, 1% है, 2.5% कितना है, 2.5% नहीं, आप अमाउंट बताओ किसी को मालूम, 2.5% परसेंटेज नहीं, कितने अमाउंट है किसी को मालूम है, 70, 80, 90 लाख, 1 करोड़ गिनो तो भी 1% नहीं होगा। 1,35,00,000 के अंदर अगर 135 करोड़ के अंदर 1,35,00,000 होगा तो 1% होगा, इससे भी लेस है, ठीक है, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। तो 1% भी पॉपुलेशन नहीं है तो उसको कहेंगे लघुमती, मगर ये कम्युनिटी ने कभी लघुमती का हक मांगने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। और वो खुद ही साधन संपन्न है, बुद्धिशाली है, मेहनत लोग हैं, ईमानदार हैं और इज्जत से जीते हैं और गलत काम करने का सोचते नहीं, ठीक है। तो आज विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है, विश्व की, भारत की तो है, इसमें सबसे ज्यादा पैसे वाले बनिया लोग हैं। इसका मैं उदाहरण दूं, ऐसा जबान से नहीं बोलूंगा, डायलॉग नहीं है, 1% पॉपुलेशन वाले जैन कम्युनिटी वाले लोग आज विश्व में सबसे ज्यादा टेंपल और कॉस्टली टेंपल बनिया का है। तो पैसा कहां से आया, पैसा आएंगे तभी लेंगे ने? आप सोचो, और सबसे ज्यादा कोई भी कुदरती आफत आएगी डोनेशन भी वो करेंगे, अच्छे काम भी वो करेंगे, सामाजिक राष्ट्र के हित में भी वो काम करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फल भी, तो वो दिखने में बड़े नहीं होते हैं, आप समझे ना, अपने कार्य से वो महान होते हैं, दिखने में महान नहीं होते हैं। और ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं और लोग इसको सलाम कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, और वो अपने दिमाग में समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, इतना ध्यान रखना, ऐसे लोगों को 2 में से 4 पाँव मिलने वाले हैं, क्या बताया, 4 पाँव नहीं मिलेगा, और पूछ इसको बोनस में मिलेगी, बस जाना ही है, और भी विद इन अ शॉर्ट टाइम 25 से 50 साल तो मैक्सिमम हो गया, क्या बताया, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 50% होने वाली है, और वो कहाँ जाएंगे 50% वाले, 2 में से 4 पाँव में। फिर आपको गाय भैंस अपने घर पे बाहर बांधनी पड़ेगी, जो पहले बांधते थे गाय घोड़ा हाथी बांधते थे वो अभी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ आ गए, तो ये सब हाथी घोड़ा गाय सब रिटर्न टिकट लेकर आए, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा 4 पाँव, मौज मजाक करने के लिए आए, खत्म कर दो फिर वहाँ जाए, आप समझे ना, मैच्योरिटी नहीं है, क्या नहीं है, इनको न पुण्य की जरूरत है, न पाप की जरूरत है, न पुरोभव की, न मोक्ष की, कोई चिंता नहीं है, ऐसे ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंड समझते हैं ना, अंधे हो गए। तो उनको रिपेयर करने का काम धर्मगुरुओं का नहीं है, वो कुदरत करेगी। अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड गलती करता है ना तो इनको हम सुधार सकते हैं,
जब अनलिमिटेड हो जाती है तो काम रिपेयरिंग करने का कुदरत का होता है, इंसान या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आप समझे, ऐसा है। यस, आपको समझ में आया? मेरा समझ में आया। ओके प्लीज। थोड़ी देर पहले आदमी की लालसा पैसा कमाने को रखने का बजाय सांसारिक जीवन में ये सदैव चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा। दूसरी तरफ साधु संत महात्मा महंत जो भी है, पादरी हो, जो भी कोई भी धर्म के धर्म गुरु, वो भी उसी लालसा में चल रहे, कभी मेरे भक्त इतने हो, मेरा फैला हुआ समाज इतना हो, कभी मेरा संस्थान इतना बड़ा हो। हम तो अज्ञानी है, काली हम ये सोचते हैं कि मैं मेरा 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 पति मेरा और मेरा बच्चे इतने तक समझ। साधु संत महात्मा वो क्यों ऐसा विस्तार में जा रहे? हिंदुस्तान में जब से किताबों का ज्ञान बढ़ गया, चाहे एजुकेशन की किताब कहो चाहे धार्मिक किताब कहो, ये ज्ञान जब भी बढ़ गया वो ज्ञान कॉमर्शियल ही होता है, आइदर ये फील्ड है या ये फील्ड है। जो ज्ञान अनुभव से आता है वो कॉमर्शियल नहीं होते हैं, आप समझे। पहले जमाने में कलाकार थे और ऐसा ऐसा काम करने वाले लोग थे, हर फील्ड में थे, मगर वो कॉमर्शियल नहीं थे, ये उनकी ग्रेटनेस थी। और धर्मगुरु भी बहुत महान थे, कैरेक्टर वाले थे, मगर उनको इस प्रकार की बातों में शिष्यों को बढ़ाओ, मंदिरों को बढ़ाओ, संस्थाओं को बढ़ाओ, किताबों को बढ़ाओ, मेरा फैला हो गए, वो सोच नहीं थी, इसीलिए वो एकांत में रहते थे। उनकी नीयत साफ थी कि मैं इस संसार से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, नेसेसिटी, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, दो कपड़े चाहिए और रहने का मकान चाहिए, कच्चा, वो भी ओनरशिप नहीं, एक साधना करने का रहने का स्थान, और वो भी मेरे नाम का नहीं होगा क्योंकि मैं त्यागी हूं, ये सोच थी। और वो सोच होने के नाते उनके पास कैरेक्टर था, उनके पास समय था, और समय के आधार से वो साधना करते थे, और साधना करने के बाद जो अनुभव करते थे वो समाज को बांटते भी थे, मगर आज बेचते हैं, बांटते नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल हो गए, किताबों पढ़ के बताते हैं। मैंने कहा ना, एजुकेशन में स्कूल में कॉलेज में पढ़ोगे वो भी कॉमर्शियल, ये शास्त्र पढ़ोगे वो भी कॉमर्शियल, सब एनकेस करते हैं, आप समझे, दैट्स इट। किसी को सच्चाई अनुभव करना, आगे बढ़ना और सनातन सत्य को समझना, ये सोच नहीं है। हर व्यक्ति को बाहर की बात है, क्या है ये भी बाहर की बात, संसारी और त्यागी लोग भी बाहर की बात करेंगे कि मेरा मंदिर बढ़ेगा, शिष्य बढ़ेगा, संस्थाएं बढ़ेगी, तभी तरक्की कहूंगा ने? आप कहेंगे कोई व्यक्ति की पहचान दोगे कोई त्यागी की, आप क्या समझते कितने बड़े त्यागी है, उनके पास 500,000 साधु साध भी है, उनके 500 तो उन्होंने मंदिर बनाए, मठ बनाए, उपासगृह बनाए, ऐसा कहूंगी, ये उनका स्टेटस रहेगा। आत्मा की पास कितने नजदीक गए वो स्टेटस नहीं मिलेगा कलयुग में, क्योंकि ये भी किताब और ये भी। आज किताबें पढ़ने वाला चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बिजनेसमैन है, वो कॉमर्शियल हो गए हैं और इंसानियत खत्म हो गई, या इंसानियत खत्म हो गई या कैरेक्टर खत्म हो गया, और दोनों का एक ही सब्जेक्ट, मनी रिलेटेड। अभी आप कहोगे उसमें से मेरे को मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आप समझे ना। तो हमको समझना है कि हमको कैसे ऐसे व्यक्ति मिले जिसको इस संसार में रहते हुए भी संसार की अवस्थाओं से कोई कंसर्न नहीं है, हालांकि वो त्यागी नहीं है मगर कंसर्न नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, और इनके लिए जीता भी नहीं है, वो जीता है सिर्फ इसके लिए कि मैंने जो पाया है वो मैं बांटने के लिए निकला हूँ, बेचने के लिए नहीं। ये जिनकी सोच है वो ही कुछ न कुछ
सनातन सत्य बता सकते हैं, बाकी सब लोग धार्मिक सामाजिक या सांप्रदायिक सत्य बताएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बता सकते। बराबर है कि नहीं? यही बात है और यही चलता रहेगा। ये कलयुग है और जब समय आएगा ये सर्वनाश हो जाएगा, 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, तब इंसान में इंसानियत भी बढ़ेगी और साधु संत चारित्रवान भी बनेगा। समय आएगा और वो भी बहुत लंबा समय नहीं है, आएगा ऐसा समय। हमको जागना है बस, जगाने का थोड़ा सा महत्व बताएं। हम संसारिक लोग, आप तो उत्तम है, हम संसारिक लोगों को भी थोड़ा ज्ञान इसमें जगने का। बस मैं यही आज मैं देश में विदेश में यही काम करता हूँ कि जागूं और सच्चाई बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा? धार्मिक सच्चाई नहीं, सांप्रदायिक सच्चाई नहीं, सनातन सत्य बताता हूँ। आखिर तुम कौन हो, शरीर हो कि आत्मा हो? इसको तो एक दिन जलाना ही है और वो सबके लिए कानून क्या है? तो जो जल जाता है वो तुम हो। अगर तुम जल गए तो पुनर्जन्म किसका होगा? कर्म का फल किसको मिलेगा? यानी जलने वाले तुम नहीं है, आप समझे ना? तुम जलने वाले से अलग मुक्त शाश्वत चेतन ऐसा शुद्ध आत्मा है और शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है। तो उनके साथ या उनके साथ जुड़े हुए साधन संपत्ति संबंध और सत्ता के अंदर बीच में ज़्यादा अपना उपयोग जागृति लगाने की जरूरत नहीं है। जागृति लगाओ कि मैं कौन हूँ और यही सच्चाई बताता हूँ मैं कि तुम शरीर नहीं हो, ये कुदरत ने बनाया है। इसका क्रिएटर भी कुदरत है, ऑपरेटर भी कुदरत है और डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये सच्चाई समझो, मैं त्याग की बात नहीं करता हूँ, सच्चाई समझो और सच्चाई समझ के राग द्वेष मत करो। जो दिया है वो भी कुदरत ने दिया है और जो लिया वो भी कुदरत ने ही कहा आपको देना पड़ेगा, आप समझे? इसीलिए पहले भी मेरा नहीं था और बाद में भी मेरे पास नहीं रहेगा और बाकी ये कर्मों का खेल है। इसमें आप डीप मत जाओ, डीप यहाँ जाओ क्योंकि आप वो है, ये आप नहीं है, ये सत्ता संपत्ति सबन साधन भी आप नहीं है और आपका भी नहीं है, आप समझे? और इसीलिए मैंने कहा ये सब शून्य है। पूरा संसार जो है, जो पांच इंद्रियों से या बुद्धि से जो भुगतान करते हैं, ये सब शून्य है और तुम एक हो। एक का मतलब कभी शून्य नहीं होगा और शून्य का मतलब कभी एक नहीं होगा। एक का मतलब शाश्वत, शून्य का मतलब टेम्पररी, आज है और कल नहीं। तो ये आपको समझ रहा है कि मैं एक हूँ या शून्य हूँ, बस। इसमें धर्म संप्रदाय गुरु क्रियाकांड बीच में नहीं आएगा। सनातन सत्य में ये व्यवहार सत्य कहाँ से आएगा, ये सांप्रदायिक सत्य कहाँ से आएगा? ये तो सबका क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग सत्य है वो सनातन सत्य नहीं। तो व्यू पॉइंट के सत्य, आप व्यू पॉइंट के सत्य से आप सनातन सत्य नहीं समझ सकते। तो सनातन सत्य समझोगे तो मालूम होगा कि व्यू पॉइंट क्या है, फिर इससे मुक्त रहना आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मुक्त का मतलब त्याग नहीं, मुक्त का मतलब होता है सेपरेट। त्याग करना और ग्रहण करना ये दोनों कर्मों का खेल है, मगर अहंकार से हम मानते हैं मैंने प्राप्त किया या तो मैंने त्याग किया, ये दोनों भ्रांति है। कुदरत कहती है पैदा होने के बाद मैंने जो जो कुछ दिया है, संबंध के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, सत्ता के रूप में, डिग्री एजुकेशन के रूप में, ये सब कुछ छोड़ना ही है और उसमें कोई ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारा था भी नहीं, है भी नहीं, रहेगा नहीं। और तुम्हारे पास जो बचा है शाश्वत रूप से, इसमें न कुछ कम होगा न कुछ ज़्यादा होगा, मगर क्योंकि तुम्हारा फोकस यहाँ नहीं है, यहाँ है, और इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में राग द्वेष करते घूमते रहते हैं। तो आपको ये घूमना पड़ता है क्योंकि आपके पास सनातन सत्य का विज्ञान नहीं है, और नहीं है तो घूमना ही पड़ेगा। तो ये दुनिया की सच्चाई, धार्मिक सच्चाई नहीं,
असम सनातन सत्य। चलो और कुछ प्रश्न नहीं है ओके। आप प्रार्थना पूरा देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मय आकार रहे, तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।